हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपकी नई वीडियो के साथ आए दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए, फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स का सेकंड पेपर है, फिजिक्स का सेकंड पेपर है, याद रखना फिजिक्स का सेकंड पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, केवल 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 10 क्वेश्चन, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ देखिए मैं आपको ये भी बता दूँ, जो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन प्लस एड किए हैं, तो 18 से 19 मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, 18 से 19 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। अब 18 से 19 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से मैंने लगभग बता दूं कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, क्योंकि काफी बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवध यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका, रोहलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका, इधर उधर, मतलब कि यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी ना उनमें पहुंचा जा चुका है, और इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा था। और 2-3 क्वेश्चन और याद कर लेना और 85% ले आना, ठीक है ना। देखिए हमने जो कहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ 10 क्वेश्चन की तो बात करूंगा ही करूंगा, और साथ में जो मैंने क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन जो एड किए हैं वो भी यार याद कर लेना और अच्छे तरीके से याद करके चले जाना। सारे प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, न्यू प्ले लिस्ट को देख के जाइए। देखिए आप, मैं बता रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बी ए बी एस सी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पीडीएफ की, जो एक्चुअली लिंक का पूरा, ठीक है ना, और जो प्ले लिस्ट का वहाँ देख लीजिए। सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो है जो 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ाए हैं मैंने वो सारे आप याद कर लें, ठीक है ना। और काफी दिन पहले अपलोड कर रहा हूं इसीलिए। तो पहला क्वेश्चन आपको याद करना वो है स्तर विद्युत, जो विद्युतीय होता है उसका गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम और प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार में आती है और ये अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए जब गॉस के प्रमेय की बात आ जाए तो जो परावैद्युत माध्यम के लिए गॉस के सिद्धांत क्या होगा, इस प्रकार से पूछ लेगा। लेकिन गॉस का नियम जरूर आता है, गॉस की प्रमेय जरूर आती है, सिद्धांत जरूर आता है, ठीक है ना। या फिर पूछ लेगा ध्रुवता, जो ध्रुवता होती है ध्रुवता की परिभाषा क्या होती है, ध्रुवता की परिभाषा देख लेना, ध्रुवता की परिभाषा क्या होती है। ये क्वेश्चन जो पूरा है वो पूरा इसी क्वेश्चन गॉस के नियम और जो विद्युत स्तर विद्युत जो होता है गॉस का नियम है उसके प्रमेय है, उसके अंतर्गत आ जाता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद कर लेना है। उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, याद कर लेना है। उसके बाद में देखिए वैद्युत द्विध्रुव भी पूछा गया था और वैद्युत विभव भी पूछा गया था, वैद्युत स्तर विभव भी पूछा गया था। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल ही में आए अवध यूनिवर्सिटी में, याद रखना तीनों क्वेश्चन बने थे, तो याद कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एम्पियर के, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, एम्पियर की परिपथीय प्रमेय, ठीक है ना। तो ये उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, जो सारे 19 क्वेश्चन दिए थे मैंने पहले वो ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और ये दो जो क्वेश्चन ऐड किए मैंने ये याद कर लेना। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र के जो सदिश बी है उसका, उसकी जो कलर है, ठीक है ना, जो कलर होता है वो और डाई वर्जल्स क्या होता है वो आपको देख लेना है। साथ ही साथ मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही कुंडली के बलाघोण क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे टर्की कहा जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रट लेना है। और ये वाला आपको रट लेना है, चुंबकीय जो अदिश विभव है वो क्या होता है सदिश, इन दो विभव में से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको हर साल पूछा जाता है, रट लो इस क्वेश्चन को, रट लो, ठीक है ना, रट लो। सभी यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जितने स्टूडेंट हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए अन्य प्रण गुणांक क्या होता है, अन्य प्रणत्व क्या होता है, देखिए अन्य प्रण गुणांक पूछ लेगा या फिर अन्य प्रणत्व पूछ लेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। ये वाला देखिए अन्य प्रणत्व भी पूछा गया था और समतुल्य प्रणत्व भी पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन अभी 2000 अवध यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो इन्हें। उसके बाद में मैक्सवेल की समीकरण को रट लेना है, रट लेना है मैक्सवेल की समीकरण को, याद रखना। और सतत्य समीकरण क्या होती है ये देखना है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण के नियम रट लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आल यूनिवर्सिटी के लिए, आल यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद में देख लेना चल चुंबकीय प्रेक्षक जो धारामापी होती है वो क्या होता है। उसके बाद में देखिए बीटा, जो बीटा ट्रॉन होता है वो आपको याद कर लेना है। उसके बाद में चुंबकीय, देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति तीव्रता और जो प्रवृत्ति होती है चुंबकीयशीलता क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति पूछी गई थी, याद रखना प्रकृति प्रवृत्ति और तीव्रता ये मोस्ट इंपोर्टेंट, चुंबकीयशीलता क्या होती है, ठीक है ना, ये देख लेना है, परमेंटलिटी देख लेना है, सारी की सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वितरण कैसे करेंगे वो देख लेना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए शीतलीय हौज क्या होता है वो आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद निर्वात में तरंग की चाल क्या होती है ये आपको याद कर, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। देखिए 18 से 19 क्वेश्चन को ज्यादा याद करने की बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप करो इन क्वेश्चनों को, लाइक यू और टिकटॉक पर फॉलो करो यार हमें, ठीक है ना, लाइक यू टिकटॉक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए आप पूरे बुक लेंगे तो बहुत लगभग उसे 100 क्वेश्चन होते हैं 1000 क्वेश्चन से लगभग होते हैं, ठीक है ना। आप यदि गैस पेपर लेते हैं तो उस गैस पेपर जब क्वेश्चन बैंक लेते हैं ना तो उसमें लगभग में 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उन देखिए हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो लगभग में देखिए 22 से 23 मतलब 19 दिए थे और 2 से 3 और बढ़ा दिए जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो लगभग 23-24 हैं, जिसमें 23-24 में से क्या आएगा टोटल आपके 17 क्वेश्चन आ जाएंगे, 16 से 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, सारे के सारे आएंगे, रट लेना इन क्वेश्चनों को। उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में गॉस के नियम के जो कूलाम का नियम था कैसे प्राप्त करेंगे वो याद कर लेना है। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद कर लेना है। और देखिए लॉरेंज बल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना है।
और देखिए स्वर्ण प्रथम गुणांक क्या होता है उसका क्योरिनियम ध्यान कर लेना है। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ कह रहा है जो स्वर्ण प्रथम जो स्वर्ण प्रथम किसे कहते हैं, देखिए स्वर्ण प्रथम के यहाँ किसे कहा जाता है ये देख लेना है, और टेरॉइड क्या होता है ये देख लेना है, और अर्भिक ध्रुवणता देख लेना है। बस इतना क्वेश्चन याद करके चले जाना, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। एक क्वेश्चन और है, देखिए एक क्वेश्चन और है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग हो गया है, ये वाला क्वेश्चन और याद कर लेना ये वाला, ठीक है ना। ये देख लीजिए थोड़ा रॉन्ग दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु ध्रुवणता है उसकी संख्या क्या होती है। अब यूनिवर्सिटी में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक एवं जो परमाणिक ध्रुवणता है उसकी संख्या क्या होती है ये पूछना है, ठीक है। कैसे संख्या याद कर सकते हैं, बस ये क्वेश्चन आपको इतने क्वेश्चन याद करके चले जाना है। 2020 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, और वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके बस इतने क्वेश्चन आपको याद करना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, और बस टिक लगा लो फटाफट। और छोटी सी वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ ज़्यादा टाइम एक्चुअली ज़्यादा टाइम खर्च करने के बाद वीडियो नहीं बनाता, जो बनाता हूँ छोटी छोटी वीडियो में बना देता हूँ। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाले।